छत्तीसगढ़ के जाने माने खेल प्रशिक्षक, कमांडो ट्रेनर, एथलीट तथा पर्वतारोही स्वर्गीय बंशीलाल नेताम का पार्थिव शरीर कांकेर के कान्हापोड़ ग्राम पहुंचा, जहां वे ट्रेनिंग दिया करते थे। विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और खेल से संबंधित लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे थे। यहां से दोपहर के बाद उनका पार्थिव शरीर पैतृक ग्राम सिलतरा पहुंचाया गया, जहां पर परंपरागत आदिवासी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कान्हापोड़ ग्राम में श्रद्धांजलि देने के लिए परिजन, मित्र तथा जिले के नागरिक और कर्मचारी के साथ साथ अधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे ने रोते बिलखते अपने कोच को अंतिम विदाई दी थी। गौरतलब है कि बंशीलाल नेताम बदैयर आरक्षक कांकेर में पदस्थ थे, जहां पर विगत दिनों एवरेस्ट शिखर पर पर्वतारोहण करते समय बर्फ की चट्टान टूटने के कारण नेताम घायल हो गए थे और काठमांडू नेपाल में हास्पेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शहर तथा प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय बंशीलाल नेताम को श्रद्धांजलि देने का दौर निरंतर चल रहा था। बंशीलाल नेताम जी का पार्थिव शरीर आज जिला मुख्यालय में पहुंचा है, और क्योंकि उनके द्वारा जो संचालित एकेडमी थी, जहां पे काफ़ी सारे बच्चे उनके साथ में फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और बच्चों का मोटिवेशन लगातार वो करते रहते थे, बच्चों की मांग के आधार पर लखनपुरी के स्कानापुरी गाँव में हम आए हैं, जहाँ पर ये अकेडमी संचालित होती थी। और बच्चों ने आज उनका अंतिम दर्शन भी किया और बच्चों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, और इसके बाद आज हम उनको लेकर, उनके पार्थिव शरीर को लेकर हम उनके मूल पैतृक गाँव में जा रहे हैं, जहाँ पे परिवारजनों के सुपुर्द किया जाएगा, जहाँ पे उनके अंतिम दर्शन के उपरांत अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी।